तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना दोस्त, और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो जल्दी से उन फॉर्मूलों के दोहराइए जो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे। क्या क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए? सबसे पहला हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था P = W/T। एक फॉर्मूला हमने ये क्लिक करा था, दूसरा फॉर्मूला हमने बोला था P = VI। एक पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जहां हमने बोला था P = I²R, और एक फॉर्मूला हमने बोल दिया था जिसको बोला था P = V²R। गॉट इट? लास्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी से फोकस कीजिए जहां हमने बात करी थी पावर के चार फॉर्मूले के बारे में, और उसके बाद हमने एनर्जी का फॉर्मूला और डिराइव किया था जहां पे हमने पावर के फॉर्मूले से एनर्जी के फॉर्मूले को लिखा था। वर्क डन को किसके इक्वल मान के चलते हैं अपन? वर्क डन को हम मान के चलते हैं किसके इक्वल? एनर्जी के इक्वल मान के चलते। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने बोला था पावर इनटू टाइम, और एक रिलेशनशिप और निकाली थी जहां पर हमने बोल दिया था कि 1 kWh = 3.6 × 10^6 जूल होता है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करने वाले हैं हमारे आज का वीडियो। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, अ बल्ब इज रेटेड 200 W and 100 W, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो बहुत ही इजी। चलिए, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है। जो चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या बोला उसने गिवन में? उसने हमें गिवन में बोल रखा है, देखिए उसने बोला वोल्ट, 200 वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो 2 वोल्ट, V = 200 वोल्ट, और P = 100 वोल्ट। क्या यही चीज गिवन है? देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 200 W and 100 W, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो सिंपल सी बात है, देखिए वी पी और आर निकालना है आपको। तो जल्दी से PVR की रिलेशनशिप लिख दीजिए, ये P है, ये V और ये R। P = V²R। जल्दी से इसको क्लिक कीजिए, यहां से फॉर्मूला यूज कीजिए P = V²R। तो P की वैल्यू 100 दे रखी है हमको, इसकी 200 × 200 / R निकालना है। गॉट इट? चलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस R को इधर लेता हूं, R = 400 ओम। आ गया क्या आंसर? बहुत इजी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिर्फ हमें क्या आता नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूला बताना चाहिए। चलिए जल्दी से एक बार नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी टाइम आएगा आगे सामने दूसरे क्वेश्चन का। ओ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, चलिए जल्दी से करिए। क्या बोला उसने आपको इस क्वेश्चन में? उसने बोला आपको क्वेश्चन में कि हाउ मच वर्क इज डन इफ अ इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 250 W ऑपरेटेड फॉर 2 मिनट। अरे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, जो देखिए लीजिए। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर दिए, ऐसे क्वेश्चन? यस, ऐसे क्वेश्चन दोनों मार्क्स में आते हैं। गिवन हमें इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 250 W, क्या बोला उसने? हाउ मच वर्क इज डन इफ अ इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 250 W ऑपरेटेड फॉर 2 मिनट। तो भैया पावर दे रखी क्या आपको? 250 W यूनिट से, जो भी काम होता है फिजिक्स में वही यूनिट का यूनिट से पहचानते हैं। वॉट क्या है? किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो 250 W। उसके बाद उसने टाइम क्या दे रखा है आपको? 2 मिनट। और उसने पूछा हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी ये वाला ही लगा दो, ये दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। पहला वाला लगा रहा हूं P = W/T, पर यहां पर एक बहुत बड़ा लफड़ा है दोस्तों। अरे वो वाला लफड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भैया। हमने जब पावर को डिफाइन करा था उस टाइम पे टाइम किसने बोला था? जूल पर। जल्दी बोलो, जूल पर सेकंड। एग्जैक्टली राइट, एंड दैट व्हाट आई वांट टू से दैट यहां पे टाइम किसने था? सेकंड में था, और यहां पर किसने दे रखा है? मिनट में। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकंड, टू मिनट, तो 2 × 60 कितने हुए? 120 सेकंड। इसके बाद तक हम आपका पावर कितनी दे रखी है? 250। वर्क डन निकाला, टाइम कितना हो गया? 120। तो W = ये इधर मल्टीप्लाई होगा 250 × 120। चलिए 12 0 12 60 केरी करा 6 12 24 and 6
W इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30,000 जूल आंसर। देखिए ना कितने इजी है, जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, और एक दो तीन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, देखते हैं ऑडियंस में से आज कौन इस क्वेश्चन को मैनेज करता है। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम 72,000 जूल एनर्जी 3 मिनट। बहुत ही इजी, अभी हमने बोला ठीक है जो चीज गिवन है वो चीज लिखना सीखिए। W इज इक्वल टू जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की, अपनी वर्क डन दे रखा है, कितना दिया उसने 72,000 जूल, गॉट इट। और उसने टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 3 मिनट, टाइम कितना दिया आपको। अरे अच्छी सी बात है, अभी समझाया, कुछ देर पहले हमने बात करी मिनट को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो 3 × 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट = 60 सेकंड। चलिए ये रहा आपके सामने 180 सेकंड। अब उसने आपसे पूछा क्या, पावर टी पूछा, भैया डब्ल्यू पता है, टी पता है, टी निकालना है, पी डब्ल्यू टी ये रही रिलेशनशिप, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर की डेफिनेशन से पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, एग्जैक्टली। चलिए डालिए यहाँ पे पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू 72,000 upon 1 क्या होगी पावर की, 400 वॉट के रहा आंसर, नोट कर लीजिए, 1000 रुपए मेरे पक्के, चलिए नोट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब भी यूनिट की बात करेगा ना, कल हमने कमर्शियल यूनिट डिफाइन करी थी प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो हमने कमर्शियल यूनिट को डिफाइन किया था जहां पे उसको KWH बोला था, तो अब उसका काम आ गया। अब ध्यान रखिएगा KWH का मींस क्या होता है हमारे पास, ये इसका यूज होगा, KWH का मींस होता है किलो वॉट, बताइए आग, किलो वॉट आग, इसी का डेफिनेटली यूज करेंगे। तो बहुत ही इजी, उसने क्या बोला, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड 300 वॉट ऑपरेटेड फॉर 8 आवर्स डेली, हाउ मच यूनिट इट कंज्यूम इन अ डे, एक डे में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, KWH निकालना है, आपको क्या निकालना है, KWH। जब भी आपको यूनिट के क्वेश्चन आएंगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने एनर्जी का, ये फॉर्मूला यूज करोगे जब भी KWH निकालना। तो क्या फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू है मेरे पास पावर इंटू टाइम। देखिए एनर्जी पावर कितनी दे रखी है मेरे को, पावर उसने दे रखी है, ऊपर लिख लेता हूं P इज इक्वल टू दैट इज गिवन 300 वॉट एंड टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स डेली, इतना दे रखा है उसने 8 आवर्स। अब इसको सेकंड में चेंज नहीं करूंगा, आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, सर आप बोल रहे हो इसको सेकंड में चेंज नहीं करना, क्यों नहीं करना, एग्जैक्टली पूछते रहा करो, इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें कमर्शियल यूनिट ही क्या है आर में, तो सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सेकंड का कोई रोल नहीं है, हम इसको आर में रखेंगे, कमर्शियल यूनिट आर में ही है, गॉट इट। चलिए जल्दी से देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, ये आएंगे आपके पास 300 × 8 8 3 = 2400 ऑफ एनर्जी की यूनिट, ये एनर्जी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे यूनिट बहुत ध्यान से लगाइएगा, ठीक है, पावर की यूनिट क्या थी वॉट, और टाइम की यूनिट आर में था, टाइम किसमें था आर में था, तो ये पावर वॉट इंटू आर आ गया क्या, देखिए ये तो था आपके पास 300 वॉट और टाइम कितना था आपके पास 8 आवर, तो 300 × 8 = 2400 × WH, आपको लाना क्या था KWH लाना है, आपको लाना क्या था KWH, क्या WH तो आ गया, देखिए आपके पास WH आ गया ना, अब आपको KO लाना है, तो किलो लाने के लिए आप एनर्जी तो यहां तक आ गई, इसको आपने क्या लिखा एनर्जी, अब लिख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें किसका डिवाइड कर दीजिए 1000 का, इसमें क्योंकि एक किलो बनाना है, वॉट किस बना रहा है, वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 24 upon 1000 KWH,
तो कितना बना 2.4 kWh। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच यूनिट आर कंज्यूम, क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, लेके पढ़िए, इट कंज्यूम हाउ मच यूनिट कंज्यूम इन अ डे, इट कंज्यूम इन अ डे। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स 2.4 kWh आ गया, इसमें इसको नंबर ऑफ यूनिट्स बोल दिया, यूनिट फॉलो एक ही बात है, तो आंसर आ गया आपके पास 2.4 kWh। चले जल्दी से नोट कर, तो चलिए 1, 2, 3 एंड आपके सामने क्वेश्चन रहा ये, देखिए क्या बोलता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 350 वॉट ऑपरेटेड फॉर 6 आवर डेली, हाउ मच कमर्शियल यूनिट इट कंज्यूम इन 1 वीक, हाउ मेनी कमर्शियल यूनिट इट कंज्यूम इन 1 वीक, वो एक वीक में कितनी कमर्शियल यूनिट कंज्यूम करता है। तो चलिए बहुत ही इजी यूनिट की बात हो गई, यानी कि सबसे पहले वो का वही काम, पावर कितनी दे रखी है आपको, उसने पावर दी है 350 वॉट, टाइम कितना दिया उसने, उसने टाइम दे रखा है 6 आवर्स, टाइम कितना दे रखा है उसने 6 आवर्स, ये वाला फॉर्मूला एनर्जी वाला, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है भाई साहब अखिलेश जी बताइए, 350 वॉट इंटू टाइम कितना है 6 आवर, तो 350 × 6 WH हुआ इक्वल्स टू 6 × 0.065 = 30, कैरी करा 3, 6 × 18 = 3, 2100 WH। तो ये तो आई एनर्जी, ये क्या आई एनर्जी, अब kWWH आ गया, किसमें कन्वर्ट करना है, तो kWH में, किसमें कन्वर्ट करना है kWH में, किसका डिवाइड होगा 1000 का, एग्जैक्टली राइट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 2100/1000 WH, तो ये कितना आ जाएगा 2.1 K, ये आएगा आपके पास 2.1 kWh, आ गया, अभी भी आंसर नहीं आया, क्यों, उसने कितने डेज के लिए बोला आपको, उसने कितने डेज के लिए बोला बताइए, उसने आपको 7 डेज के लिए बोला, तो टोटल यूनिट्स जो होगी, टोटल यूनिट्स वो होगी 7, ये तो पर डे की थी, ये कितने दी पर डे, 7 × 2.1 7 14.7 kWh, ये रहा आपके सामने आंसर, गॉट इट, चलिए जल्दी से मैनेज कीजिए, तो चलिए 3, 2, 1 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्या बोला उसने क्वेश्चन में, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और होगा वही क्वेश्चन है, एंड रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग, जो चीज दे रखी है उसको मैं पहले लिखता हूं, तो P = 350 वॉट, P = 350 वॉट ऑपरेट फॉर 10 आवर्स डेली, P = 10 आवर्स डेली से लिखता, आप जॉब बहुत बेकार मानते हो लेकिन कोई बात नहीं, मजे लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, खराब जॉब पे भी हल दीजिए, वो होता है आपका टैलेंट, P = 350 वॉट, T = 10 आवर्स, और उसने बोला एंड रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट फॉर 10 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल आते ही यूनिट निकालना है, टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ फॉर 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 per kWh। तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर ऑफ यूनिट निकालता हूं, उसके बाद का दिमाग लगाने क्या करना है, तो एनर्जी इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू कितना होता है पावर 350 × टाइम WH, देखिए यहां से 350 यहां से क्लियर हो गई डब्ल्यू ई है एच, तो ये 3500 WH आया, कितना आया 3500 वॉट आ रहा है, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है kWh, तो किसका डिवाइड दूंगा 1000 का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 3500/1000, 3500/1000, तो ये बनेगा 3.5 kWh, ये क्या बनेगा आपके सामने 3.5 kWh। चलिए बहुत ही इजी वर्ड में अब देखिएगा इसने क्या बोला आपको, उसने बोला कैलकुलेट द, ये एक डे का आया, ये कितने डे का आया आपके सामने एक डे का आया, तो उसने आपको बोला कैलकुलेट द मंथली एक्सपेंसेस फॉर 30 डेज, 30 डेज में मंथली एक्सपेंसेस निकालना है, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए
टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू देखिए यूनिट कितनी है 3.5, ये तो एक डे के लिए, ये तो पर डे के लिए है ना, ऑपरेटेड डेली, इसको कितने डेज ऑपरेट कर रहा है 30 डेज ऑपरेट कर रहा है, तो इनटू 30 एक दिन का इतना, 30 का इतना, और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको 3.40, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 3.40, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने पे ₹357। समझ गया मेरी बात को, आप मल्टीप्लाई देखे जा आंसर क्या रहा है ₹357। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आप नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और बच रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इसको नोट कीजिए। वन टू थ्री, चलिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन, क्या बोला उसने, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो सबसे फर्स्ट आप यहां पे वैल्यू डाल दीजिए आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, फ्रॉम 220 वी इज इक्वल टू कितना देखते हैं 220 वोल्ट। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको लिखना आ गया तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज, इफ इट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5.20। तो चलिए नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना, ये बात का फैक्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां से निकलती है एनर्जी के फॉर्मूले से, और एनर्जी के फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, पावर एंड टाइम चाहिए, तो टाइम तो आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 5 आवर्स। अब सुनिएगा दोस्तों, दिमाग आपका होगा, सॉल्यूशन भी आपको ही करना है, इधर देखिए उसने क्या बोला, उसने आई दे रखा है, बी दे रखा है, टाइम दे रखा है, यूनिट्स पूछा, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास कुछ ये होता है कि देखिए एनर्जी को तो पावर इनटू टाइम, तो बेसिकली टाइम दे रखा है, पावर चाहिए, तो मैं उसे निकालूंगा आई और बी, देखिए पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू क्या है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, तो इससे मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले पावर निकालूंगा पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी इज इक्वल टू कितना जाएगा 220 × 10 2200 वोल्ट, कितना आया ये आपके पास 2200 वोल्ट। अब उसके बाद पूरा क्वेश्चन सेम, एनर्जी क्या होती है आपके पास, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, तो पावर कितनी है 2200 और टाइम कितना दे रखा है आपको 5 आवर्स। WH वॉट आर, गॉट इट, मेरी बात को समझ पा रहे, मैंने क्या बोला वॉट आर। अब देखिए आगे देखिएगा, ये 0 0 5 2 10 कैरी करा 1 5 2 10 और 1 11,000 WH। अब इसके बाद WH आगे क्या निकाला था, नंबर ऑफ यूनिट्स किसका डिवाइड करता था, बोलिए किसका डिवाइड करता था, 1000 का, एग्जैक्टली राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 11,000 × 1000 kWh इक्वल टू आएगा आपके पास 11 kWh, ये तो पर डे की यूनिट आई। अब उसने कॉस्ट पूछी आपसे, उसने आपसे क्या पूछा, कॉस्ट पूछा, तो कॉस्ट निकालने के लिए आप खुद देखिए, अब मैं फॉर्मूले को हटा देता हूं, देखिए उसने आपसे कॉस्ट पूछी, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ये नहीं 11, कितने डेज के लिए यूज करा उसको 30 डेज के लिए, ये तो बनने का था, कितने डेज के लिए यूज करा उसको 30 डेज के लिए, और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी थी आपको, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको ₹5.20, तो ₹5.20 ये एक दिन, ये 30 डेज, और ये उसकी कॉस्ट, ये उसकी क्या होगी, कॉस्ट हो गई इक्वल टू, आपके पास आंसर आ रहा है ₹1716 आंसर, कितना आंसर हो गया आपके पास ₹1716, यानी कि मंथली इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस कितना आएगा अगर इन चीजों को यूज करेंगे तो 1716। चलिए एक बार जल्दी से आप नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पसंद आया होगा, अगर एक पसंद आ गया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और साथ में शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हम मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कुछ वीडियोस और बचे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हम एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के बहुत 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 इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, चैलेंजिंग आपका काम आने वाला है, इसलिए उसका इंतजार कीजिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का लिया। वो मैं तब कराऊंगा जब आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे, बहुत जल्दी हम मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट रियल नंबर, वेट कीजिए उस वीडियो का भी, आपके सामने बहुत ही बहुत 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 जल्दी, कुछ भी आपको वेट नहीं कराऊंगा। चलिए आज के लिए अलविदा बोलते हैं, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर आपसे मिलना होगा।